सो गाइज, मैं हूँ आपका फ्रेंड रितेश अग्रवाल फ्रॉम विनवल रियल्टी सर्विसेज। आई होप यू आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। तो आज मैं शूट करने आया हूँ कमर्शियल SEO प्लॉट्स ऑफ MR सेक्टर 89 नेक्स्ट। आज के डेट में MR ने SEO प्लॉट्स में धूम मचा दी है। जो भी प्रोजेक्ट्स इन्होंने बेचे या टेक्निकली लॉन्च किया था, मोस्ट ऑफ देम आर सोल्ड आउट। बहुत जगह बहुत फ्यू इन्वेंट्रीज बची है। इसके पीछे बहुत सारे अपने लॉजिकल रीजंस है। एक्चुअल में टेक्निकल चीज़ों को मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, आज के डेट में देखो SEO प्लॉट सबको पता है क्या होता है, बट फिर भी मैं रिपीट करने के लिए आपको बता देता हूँ कि ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं जहाँ पर आपके शॉप कम ऑफिस प्लॉट्स होते हैं। बिल्डर ज़्यादातर डेवलपर आपको प्लॉट्स देंगे विथ कंट्रोल्ड फसाड्स, जहाँ पर आप बना सकते हो बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और टेरेस, जिसमें से ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का यूज़ होता है रिटेल में, ऊपर आपके ऑफिस स्पेसेस में यूज़ होता है, बेसमेंट स्टोर रूम के पर्पज़ के हिसाब से यूज़ होता है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये आइडियली ऐसा नहीं है कि कहीं रोड पे बस एक रिटेल प्लॉट कमर्शियल प्लॉट दे दिया आपको, आप वहाँ कुछ भी बना लो। ये एक पूरा क्लस्टर्ड प्लॉट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये 32 प्लॉट्स का क्लस्टर है। जो हम बात करें EBD 89 नेक्स्ट की, यहाँ पर 32 प्लॉट्स होंगे, कुछ फीचर्स होंगे। कल को सपोज मान लो जो भी शॉपर्स यहाँ पर आ रहे हैं सर्विसेज लेने के लिए, उनके डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप को देखते हुए उनके हिसाब से एक्सपीरियंसेस ऐड किया जाएगा। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट दिया जाएगा टू वेलकम यू। जगह जगह वाटर फीचर्स दिए जाएंगे, सीटिंग एरियाज दिए जाएंगे, स्क्रीन्स दी जाएंगी, ग्रीन एरियाज दिए जाएंगे, सो दैट शॉपिंग एक्सपीरियंस ऐड होता है ना, कि कहीं आप जाते हो, आप समझना बात को, तो आप चाहते हो ना कि मतलब आप चिल करने के लिए जाते हो, एक माइंडसेट अपना चेंज करने के लिए जाते हो, एक लेजर एक्टिविटी के हिसाब से भी जाते हो देन शॉपिंग, वो चीज़ ऐड हो पाएगी आपकी, कि कहीं आप थक गए, या मान लो 5 लोग परिवार में आए हैं, आप कहीं थके हुए, आप कहीं जाके बैठ गए, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। बेसिकली आप प्लॉट तो अपना खरीदते ही खरीदते हो, जो फ्री होल्ड होते हैं जिसमें आप अपनी कंस्ट्रक्शन करोगे। इसके अलावा कि शॉपर्स को वो सारी चीज़ें कॉमन एरियाज में मिलती है, विच एड्स यूर फैसिलिटी। दूसरी चीज़ है, बहुत लोग SEO में ये कंप्लेन करते हैं कि SEO बिल्डर बना रहे हैं, पार्किंग्स नहीं दे रहे, बाद में लोग पार्किंग कहाँ करेंगे, दिल्ली वाला हाल हो जाएगा, मेन रोड पे ही पार्किंग्स आपकी करनी पड़ेगी। देखो, एक चीज़ का मैंने हमेशा ध्यान रखा है, आप मेरे जो भी SEO के प्रोजेक्ट्स देखोगे ना पुराने, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि टू ओनली मेक वीडियो ऑफ दैट SEO प्लॉट्स जहाँ पर बिल्डर सफिशिएंट आपको पार्किंग दे रहा है, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर आपके पास पार्किंग नहीं होगी तो देर मे बी सम चैलेंजेस, कि ठीक है कल को आप रोड पे तो पार्क करोगे ही करोगे, बट यू नीड सम ऑफ, अब आपको अपना पार्किंग चाहिए ही चाहिए। सो दिस इज अ प्रोजेक्ट जहां पर 32 प्लॉट्स में दे आर ऑफरिंग यू अ पार्किंग ऑफ अराउंड 300 कार्स। कहने का मतलब है कि एवरेज आउट बहुत अच्छा दे दी इन्होंने, कार पार्किंग दे दी। इसके अलावा देखो, थोड़ा बहुत तो बाहर पार्किंग होती ही होती है, पर इनका अपना डेडिकेटेड पार्किंग भी, कि कल को रोड वालों ने बंद कर दिया कि नहीं आप यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते, और ये वो इस तरह से, मतलब इस चीज़ की आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आनी है, एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। वो कभी ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में कल को आपको अभी खाली लैंड दिखा दी और बाद में वहाँ पर कुछ बन गया बिल्डिंग, दैट इज़ नॉट देयर, वो प्रॉपर आपकी पार्किंग ही रहेगी फॉर एवर। दूसरी चीज़ है, फ्रंटेज आपका बिल्कुल मेन सेक्टर रोड से है, सेक्टर डिवाइडिंग रोड है, जो एक तरफ आपका सेक्टर 89 आता है विच इज़ द बिगेस्ट सेक्टर ऑफ गुड़गांव, दूसरी तरफ ये सेक्टर डिवाइडिंग रोड एक तरफ 90, एक तरफ आपका 95 और एक तरफ 94, तीन सेक्टर्स को मिलाते हैं, और ये सेक्टर सीधा ले जाता है आपके पटौदी रोड को, और इधर से अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो आप रानी सती चौक मिलते हो, फिर वहाँ से जैसे जो एक लेन है ना सेक्टर 81 डिवाइडिंग रोड, जो एक तरफ आपका ग्रैंड स्पा है, अल्टीमा है, वो जो रोड है जो हाईवे पे मिलाती है आपकी, उस जगह पे आपको मिलता है। तो ये पूरी की पूरी इस तरीके से रोड है। देखो, MR के SEO की ना और आपको चीज़ें खासियत मैं बता रहा हूँ, कि MR ना एक चीज़ आप समझना, MR ने जो भी चीज़ बनाई है वो चलती है, क्योंकि एक बिल्डर होता है जिसका काम है सिर्फ बेचना, एक बिल्डर होता है जिसको अपना क्रेडिबिलिटी बनाना। देखो, MR ने स्टार्टिंग में गुड़गांव में आके वो क्रेडिबिलिटी नहीं बना पाई थी जो DLF की अपनी क्रेडिबिलिटी थी। इसका वन ऑफ द रीजन खुद MR नहीं था, इसके वन ऑफ द रीजन था उनके पार्टनर्स जो MGF थे, क्योंकि वो जब आए उनके लैंड डील्स में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की गई, उनके बहुत सारे हर्डल्स उनको क्रिएट किए गए, इस कारण से मतलब उनके सारे प्रोजेक्ट्स में स्टार्टिंग में डिलीवरी लेट हुई। बट चाहे जो भी आया प्रॉब्लम, उनको ये बात समझ में आ गई कि इंडिया में ये पार्टनर्स हमको नहीं चाहिए, दे सेपरेटेड, दे केम अलोन, दे मे कम्प्लीटली 100% अपने हाथ में सारा का सारा पावर लिया, सारे के सारे फंडिंग लेके आई, उन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए। आज के डेट में आप सारे प्रोजेक्ट्स पीछे के चले जाओ, सारे बैकलॉग्स इन्होंने क्लियर कर दिए, 100% चीज डिलीवर्ड है। अब बात आई क्वालिटी की, इन्होंने जब फर्स्ट प्रोजेक्ट जो इनका सोल एंड सोल पहला प्रोजेक्ट था फ्रॉम डे वन, वो इनका था डीजी होम्स, आप उस प्रोजेक्ट का जाके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख लेना, कल्पतरू ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, यू सी इट्स कंस्ट्रक्शन क्वालिटी।
आप देख के आपको लगेगा कि अमेजिंग है। इसके अलावा भी MR के जो भी कमर्शियल उन्होंने डिलीवर किए, जैसे ऑफिस स्पेस का ब्लॉक इन्होंने डिलीवर किया था डिजिटल ग्रीन्स, इफ यू हैव एवर चांस टू विजिट दैट, आप देख लेना जाके, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बनाया है उन्होंने। अब बात करते हैं यहाँ की, तो ये जगह क्या है, ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, 3 acres का प्रोजेक्ट है। आप देखोगे फ्रंटेज आ जाते हैं, तो कुछ प्लॉट्स फ्रंट में आ जाते हैं, फिर एक स्ट्रेट लेन में ज्यादातर प्लॉट्स आ जाते हैं आपके। दिस इज सच अट्रैक्टिव थिंग, प्रोजेक्ट सुनने में आपको 3 acres का लगेगा, क्योंकि कई बार आप 5 acres, 10 acres, 15 acres भी सुनते हो। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे ब्रांड्स ने 3-3, 4-4 प्लॉट इकट्ठे परचेज किए हैं। नाम मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि आई एम नॉट अलाउड एक्चुअल में, पर आप जब हमें कॉल करोगे या यू विल कम हियर, वी विल टेल यू। उन ब्रांड्स ने प्रॉपर परचेज किया एंड दे विल ओपन देयर स्पेसेस। कहने का ये मतलब है बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, 3 या 4 यहाँ पर मेजर ब्रांड्स ने ऑलरेडी अपनी चीज़ों को परचेज, सेटअप को परचेज कर लिए, वो फर्स्ट डे से आपके साथ यहाँ खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब SEO के ना बारे में मैं आपको वैसे बता दे दूँ कि ये एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछला छूट गया था कुछ आपका। SEO में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर आपके ऑफिस स्पेसेस होते हैं, तो आप बेसिकली देखना, आप SEO प्लॉट्स देखना कहीं पे भी चलते हैं। देखो गुड़गांव में अगर एक्चुअली SEO का एग्जांपल सेक्टर 29, मैं अपने 10 बार बोल चुका हूँ, आप भी पक गए होंगे सुन के, सेक्टर 29 कई हुडा मार्केट्स भी SEO प्लॉट्स के एग्जांपल है, ठीक है। 29 इज अ वेरी सक्सेसफुल एग्जांपल, हर बंदा उसी का एग्जांपल देते हैं। जो मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बता सकता हूँ, क्योंकि तो 29 एग्जैक्ट वो मॉडल नहीं है जो ये है एक्चुअल में। एक तो फ्लोर की परमिशन यहाँ ज़्यादा है वहाँ कम है आपका, उसमें 29 SEO प्लॉट में बीच में इन्होंने पार्किंग का एरिया बना दिया, यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी, यहाँ वो प्रॉपर ग्रीन एरिया होगा, वाटर फीचर्स होंगे। मैं फरीदाबाद का एक प्रोजेक्ट है, वैसे मैं फरीदाबाद के रियल इस्टेट का बहुत बड़ा डाई हार्ट फैन नहीं हूँ, बट वहाँ का ना एक प्रोजेक्ट है ओमिक्स का है प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट इवनिंग में जाना, आप वहाँ बैठना, आपको समझ में आ जाएगा कि SEO प्लॉट कैसा होता है। जबकि वहाँ पर भी जो फ्लोर की परमिशन है वो कम है यहाँ के कंपैरिजन में। मैंने वहाँ पर देखा था, वहाँ पर एक ना बहुत फेमस हल्दीराम टाइप कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्ट शायद तुलसी नाम था या क्या था एग्जैक्ट, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, उनका देखा था। उन्होंने भी मेजर, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स ने वहाँ पर या तो बेसमेंट और ग्राउंड ले लिया है या बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट ले लिया है। अब जैसे जो ब्रांड था, उस ब्रांड में क्या था, मैं गया, भूख लगी हुई थी, मैं वहाँ खाया, मैंने देखा नीचे एकदम बढ़िया से इन्होंने पूरा का पूरा हॉल में वॉशरूम्स नीचे बना रखे थे, पार्टी हॉल बना रखा था, वहाँ पे भी बैठने का एरिया बना रखा था, और फिर फर्स्ट फ्लोर पे भी इन्होंने बना रखा था, तो वो इन्होंने डबल हाइट कर दिया था, अच्छा लग रहा था। तो जनरली आप ये देखना, आपको एक ही सिंगल बंदा 99% केसेस में बेसमेंट, ग्राउंड एंड फर्स्ट आपका लीज पे ले लेगा। अब रही बात ऑफिस स्पेस की, तो ऑफिस स्पेसेस आपकी 2nd floor, 3rd floor, 4th floor, ये तो एक्सक्लूसिव हो गया क्योंकि ये रिटेल एरिया, इसमें आपको रेंटल भी ज़्यादा मिलेंगे, थोड़ा सा ऑफिस स्पेस में रेंटल्स कम मिलता है कंपेरेटिवली, पर उसमें एक एडवांटेज है आप समझना, कल को ऐसा भी हो सकता है या तो एक ऑफिस आएगा जो 2nd, 3rd, 4th को ले लेगा क्योंकि साथ में टेरेस मिलता है। ऑफिस स्पेस वालों को भी क्रेज होता है टेरेस का, टेरेस को भी जगह को वो यूज़ कर लेते। देखो टेरेस में हार्ड कंस्ट्रक्शन का अलाउड नहीं है, नहीं कि आप कुछ वहाँ पर मतलब कोई RCC की कंस्ट्रक्शन कर दो, बट एटलीस्ट टेरेस में आप टेरेस गार्डन बना सकते हो, गार्डनिंग बना सकते हो, बैठने का एरिया, कैफेटेरिया टाइप से एरिया बना सकते हो, जो एक कॉरपोरेट कंपनी को प्रॉपर यूज़ हो सकता है। तो मेरा कहना है वो प्रॉपर वो यूज़ होगा एक्चुअल में चीज़ों को लेके। इस तरीके से या तो कोई 4th floor भी टेरेस लेगा, आपको एक्स्ट्रा रेंटल देगा कि सपोज मान लो ऑफिस स्पेस का रेंटल 50 रुपये है, जैसे रिटेल का अगर 100 रुपये, ऑफिस स्पेस का रेंटल अगर 50 रुपये, तो हो सकता है उसका 70 रुपीज दे दे आपको, या फिर क्लस्टर में ले लेगा आपको 2nd, 3rd floor, क्योंकि इनके लिए एडेड एडवांटेज है। इस तरीके से चीज़ें चलेंगी और गुड़गांव का ऑफिस मार्केट अच्छा है। अब एक चीज़ और आपको बता दूँ, जो 4th floor है उसके साथ टेरेस आता है, जो रूफ में आपको पता है बहुत सारी एक्टिविटीज बनती है। देखो आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, या आज रूल्स के हिसाब से ये एक ऑफिस है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज आप क्या कर सकते हो, बट ये 100% है इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत जगह ऐसे केसेस में कि मतलब गवर्नमेंट ने फिर इसको रिटेल में कन्वर्ट कर दिया है। अगर रिटेल में कन्वर्ट कर दे तो ऊपर बहुत ही बढ़िया आपका रूफटॉप कैफेटेरिया बनेगा, रूफ आपको पता है गुड़गांव में तो 29 कहीं भी चले जाओ, रूफटॉप वाले कहीं भी खाली नहीं होते, चाहे पब्स हो, चाहे बार हो, कोई भी चीज़ हो एग्जैक्टली, अगर वो बन गया तो फिर आपकी लॉटरी है, फिर आप जितना पैसा आप ग्राउंड फ्लोर से कमाओगे, फर्स्ट से कमाओगे, उससे ज़्यादा आप उससे भी कमा सकते हो। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। इसके अलावा आपको बता दूँ, जैसे सपोज मान लो ये 6 फ्लोर बनता है आपका, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट और ऊपर बनता है। मैंने ऐसा सुना है, इनफैक्ट पेपर्स में भी था, गवर्नमेंट इसके रिव्यू कर रही है इस चीज़ को, कि दे विल ओपन द रजिस्ट्री फ्लोर वाइज एक्चुअली में। वो हो गया तो फिर तो खैर अपने आप में ही बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, कल को आपको फ्यूचर में सपोज मान लो कि ऑफिस 2 फ्लोर ऑफिस बेचना हो, 1 फ्लोर ऑफिस बेचना, या रिटेल एक अलग से बेचना, तो यू कैन सेल इट। वो कंपोजिशन आ गया तो आप देखोगे कि जितने में आपने सारा बनाया है उतने में आप सिर्फ ग्राउंड बेसमेंट किसी को बेच दोगे तो आप उससे ज़्यादा पैसे अर्न कर लोगे। ये सारी चीज़ें, और आज के रेट में जो प्लॉट की साइज़ है रेजिडेंशियल या 1.5 लाख रुपये का रेट है, उस कंपैरिजन में आपको जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ तो कुछ भी नहीं है, और ये सबसे सस्ता है।
कहीं पे भी आपको SU प्लॉट आपको देखने ना कहीं पर भी ये रेट नहीं है आपको जो मैं इसका रेट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि MR में सस्ते इसलिए मिलते हैं, कई बिल्डर में क्या होता है थोड़ा एडजस्टमेंट होता है तो वो उन्होंने रेट बढ़ा के रखते हैं, तो आपको पता है लाला लोग को कुछ नहीं दिखता, उनको बस उनके तकिए में पड़ा रहता है, वो पैनिक में कहीं पे भी जाके पैसे पकड़ा देते हैं, क्योंकि MR में ये सीन नहीं होता, तो दे हैव टू सेल इट वेरी रीजनेबल, तो इसमें थोड़े से सेंसिबल लोग ही आते खरीदने के लिए, थोड़ा सा मतलब पूरा आते हैं, थोड़ा टाइम लगा के वो करते, आपको कोई किसी तरह का वो नहीं मिलेगा, प्रॉपर आपको प्योर सीजन बंदे मिलेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो ये भी एक कंडीशन है कि कल को आपको चाहिए ये नहीं है यहाँ पर, यू हैव टू गिव फुल राइट हियर, FDI कंपनी है, दे हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे ना कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, जो आपको रियलाइजेशन होता है रेंट का, वो ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और रेंट का रियलाइजेशन अच्छा होगा तो आपको नेचुरल सी बात है कि आपको प्रॉपर्टी के भी प्राइसेस में एप्रिसिएशन मिलेगी, क्योंकि अगर आप गुड़गांव में जाओगे आप कई सारे मॉल्स देखोगे, हाई स्ट्रीट मार्केट देखोगे, बहुत सारे मॉल्स पिटे हुए हैं, चाहे किसी भी एरिया में चले जाओ, पर SU प्लॉट्स आपको कहीं पे भी चलते हुए ही मिलेंगे। इसका वन ऑफ द रीज़न क्या है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हाई स्ट्रीट मार्केट का होता है ना या मॉल्स का होता है वो ये होता है कि ज़्यादातर लोग वहाँ एज ए लेज़र एक्टिविटी जाना चाहते हैं, तो जो उस चीज़ को कंप्लाई करता है या मतलब जो सारे ब्रांड्स को रखता है एक प्रॉपर मतलब एक इकोसिस्टम बनाता है उनके तो चल रहे हैं, बाकी मेजॉरिटी नहीं चल पाते। SU प्लॉट्स में अच्छी चीज़ क्या है कि ये एक काइंड ऑफ मिक्स हो गया आपका कि लोग आएंगे भी, शॉपिंग भी करेंगे, बैठ भी गए, ईजी है। जैसे हाई स्ट्रीट मार्केट में कई लोग इसलिए नहीं आना चाहते, उनको पार्किंग लगानी पड़ती है, बेसमेंट गए, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर लगाए, यहाँ आपको सिंपल से बात है कुछ नहीं करना। आज भी मैंने देखा, मैं खुद इस बात को बता रहा हूँ कि सबसे ईजी होता है आओ ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग लगाओ और घूम लो, कोई भी हो, मैंने गुड़गांव में भी देख लिया, मैंने बड़े यहाँ पे भी, हमें ये लगता था कि पता नहीं यहाँ गुड़गांव में अमेरिका और कनाडा से लोग आए हैं, इनको कुछ स्पेशल चाहिए होता है ऐसा हाई मॉल में घूमने के लिए, पर मैंने बाद में स्टैटिस्टिक्स देखा तो कनाडा और US में भी सारे के सारे मॉल फ्लॉप है ज़्यादातर वहाँ पर भी। US में तो इनफैक्ट ये बातें चल रही कि सारे मॉल को तोड़ के ना, कई जो मॉल्स बिल्कुल सालों सालों से नहीं चले उनको तोड़ तोड़ के वो बना देंगे आपके, मतलब किसी को पब्लिक पार्क बना देंगे, किसी को हॉस्पिटल बना देंगे, क्योंकि वो एक अच्छे एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। मेरा ये कहना एग्जैक्ट, तो ये सबसे बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस देता है। शॉपिंग एक्सपीरियंस देने के लिए आपको क्या चाहिए? लोग चाहिए, अच्छा परचेसिंग पावर चाहिए। आज के रेट में जिस जगह पर हम खड़े उसके सराउंडिंग में 100,000 फैमिली रह रही है आपकी, आप आना, आपको दिखा दूंगा, एक एक करके जुड़वा दूंगा। न्यू गुड़गांव के अंदर अंदर आपको बता दूं विद इन 10 ईयर्स 5 times यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, 5 times, क्योंकि इतने सारे फ्लैट्स यहाँ मिल रहे हैं पोजेशन के लिए। अभी तो 20% भी डिलीवरी नहीं ली है यहाँ पर, जितने प्रोजेक्ट्स यहाँ रेडी होने, अभी भी आपको न्यू गुड़गांव इतना खाली जगह जगह मिलेंगी, इतने सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ डिलीवरी होनी है। मैं बात कर रहा हूँ 5 साल में उस प्रोजेक्ट की जिसकी ऑलरेडी बुकिंग हो गई, जिसकी आपको पोजेशन मिलनी है। सिर्फ मैं 89 की बात करूँ ना, आप यहाँ से पीछे देखोगे तो सपोज मान लो ये तो पीछे अफोर्डेबल प्रॉपर्टी है। देखो एक तो बता दो, अब एक एक अफोर्डेबल में 1,000-2,000 फ्लैट्स होते हैं। आप अफोर्डेबल वालों को कम परचेसिंग पावर मत समझना, सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल न्यू गुड़गांव के अंदर है, कम परचेसिंग पावर वाला बिल्कुल मत समझना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। जो बंदा 25-30,000 रुपये रेंट दे रहा है, अफोर्डेबल वाले भी 20-22,000 रुपये अच्छे स्पेंडिंग करते आते हैं, प्रॉपर शॉपिंग करते, उनको भी वही चीज़ें चाहिए होती है। ऐसा नहीं है क्राउड वो ऐड करता, मैं जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ, तो मेरा कहना है अफोर्डेबल बहुत सारे हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा, बट हाई एंड भी बहुत सारे हैं। सिर्फ यहाँ पीछे जाओगे, ये ब्रिज वालों का प्रोजेक्ट, इसके पीछे जाओगे सिर्फ 5,000 फ्लैट्स लो राइज DDYJ स्कीम में स्मार्ट वर्ल्ड और M3M ने बेच रखे हैं, विद इन अ ईयर उसकी पोजेशन आ जाएगी, आपको उतनी फैमिली मिल जाएगी, क्योंकि गुड़गांव में आपको ये चीज़ बता दे तो यहाँ प्रोजेक्ट की डिलीवरी होती है लोग शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। ये तो एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, चारों ओर हर जगह वैसा ही है। यहाँ से आप सिर्फ कैमरा घुमाएंगे ना तो आप सिर्फ फ्लैट ही फ्लैट देख लेंगे, और इससे 5 times ज़्यादा पॉपुलेशन होगी आने वाले समय में, और वो तब की बात करो, मैं वो प्रोजेक्ट की बात करूँ जिसकी बुकिंग हो चुकी है, जिसका पोजेशन होना, हर जगह आप देखोगे देर आर मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जिसकी अभी आपको डिलीवरी मिलनी है। अभी तो न्यू गुड़गांव में डिलीवरी मिली नहीं है, अभी तो देर आर ओनली 90 apartments जिसकी डिलीवरी मिली है, 300 प्रोजेक्ट की डिलीवरी तो आपको बहुत रिसेंट मिल रहा है, आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो सारी चीज़ें चलेंगी, अपना यहाँ का अपना एक इकोसिस्टम, SU मार्केट्स के ज़्यादातर जो आपके लेने वाले होंगे, खासकर इसकी मैं बात करूँ, ये आपके माइक्रो मार्केट वाले ही होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि कल को DLF फेज़ 1 से लोग यहाँ परचेज़ करने आ जाएंगे, या फिर आपको नई दिल्ली से मतलब साउथ दिल्ली से लोग आ जाएंगे परचेज़ करने, वैसा नहीं होगा, बट यहाँ के जो अपने बायर्स होंगे वो लेंगे, इसीलिए इसी को देखते हुए आपके जो मैं बता रहा हूँ आपको ब्रांड्स ने लिया है, हिंट दे देते, तो ज़्यादातर वो ब्रांड्स जिन्होंने लिया है दे आर ऑल फ्रॉम द वाइट गुड इंडस्ट्री, दे आर फ्रॉम फूड इंडस्ट्री, तो ऐसे करके मैं नाम नहीं बता सकता, बट ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, और यही चीज़ें ज़्यादातर चलेंगी। कुछ गारमेंट्स के कुछ ब्रांड्स होंगे, कुछ आप खाने के ब्रांड्स होंगे, कुछ आपके वाइट गुड्स के होंगे, ऊपर आपके ऑफिसेज होंगे तो कुछ कॉर्पोरेट वाले ले लेंगे, कुछ हम जैसे मिडिल टाइप बिजनेसमैन ले लेंगे, रियल इस्टेट वाले हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, IT कंपनीज हो गई, वैसे लोग ले लेंगे। तो वैसे कहने का मतलब है पूरा गुड़गांव का इकोसिस्टम ऑफिस का बहुत अच्छा है।
दूसरी चीज़ क्या है, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लस्टरिंग नहीं की, क्योंकि ज़्यादातर एसईओ में जो कंप्लेंट्स होते हैं ना एसईओ के, पार्किंग का प्रॉब्लम होता है, यहाँ नहीं है। एसईओ में मैंने देखा है कई बार क्या करते हैं ना, ये बात लोग एसईओ में भी करते हैं, ये चीज़ लोग वहाँ पे भी कर रहे हैं, हाई स्ट्रीट मार्केट्स में भी करते हैं। बेचते वक्त क्या होता है कि लोग 300-400, 450-450 फुट की दुकान बेच देते हैं, बाद में वो सारी दुकानें स्पॉइलर बन जाती है उस जगह के चलने के लिए। जो कमर्शियल में फर्स्ट डे से ही बड़ी दुकानें बेचते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, उनकी लीजिंग ज़्यादा अच्छी होती है, उनमें ज़्यादा अच्छा ब्रांड्स की लीजिंग होती है। ये आपको बता रहे हैं गुड़गांव में बेचते वक्त वो टफ होता है, एंड में वो ईजी होता है। तो बिल्डर को, क्योंकि उनको ज़्यादा रेवेन्यू रियलाइज करना, वो बेचते होते थे, बाद में उनकी वाट लगती है। यहाँ वो चीज़ नहीं है, यहाँ इन्होंने मिड साइज एसईओ प्लॉट्स निकाले, डिसेंट आपके 110 गज 170 गज, एक दो तो 300 गज के भी है, तो 300 गज बहुत बड़ा आपका वो हो जाता है, बहुत बड़े अच्छे खासे ब्रांड आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर डिसेंट सही और 32 प्लॉट है, इजीली चल जाएगा। आसपास ऑलरेडी स्कूल, हॉस्पिटल, फ्लैट, फ्लूट, अब इतनी चीज़ें आ चुकी ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं क्या बोलूँ वाली बात है। आप कहीं पर भी कैमरा घुमा लेना, आपको सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट दिखेंगे। जिस दिन ये सारी डिलीवरीज हो जाएंगी ना, तो काफ़ी चीज़ें एड ऑन हो जाएंगी। यहाँ से चाहे आप 92 सेक्टर की बात करो, जो गार्डन सिटी है आपका डीएलएफ का 150 एकड़ का टाउनशिप, उसके साथ 25 एकड़ जो भी हमने रिसेंटली बेचा था डीएलएफ का, डीएलएफ गार्डन सिटी एनक्लेव जो डीडीवाईजे की यूनिट से वो रिसेंटली बेचा था। रहीजा के प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेस के प्रोजेक्ट्स हैं, आपके कई सारे सोसाइटी फ्लैट्स हैं। मैं जैसे घुमा रहा हूँ आपको, आई नो कि वो फील अभी, क्योंकि हम घूम रहे हैं तो अभी वो फील शायद आपको नहीं है, पर अभी आप देखो कि मतलब यू फील धीरे धीरे आ रहा है। जैसे सपोज एक यही देख लो, एक छोटा सा सिटिंग एरिया है बना दिया, अब यहाँ पर सिटिंग्स होगी, लाइटिंग्स आएंगी आपकी, तो वो चीज़ एक अलग से मज़ा आ जाएगा आपको। ये भी सिटिंग एरिया, ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, छोटा सा आपको बता रहा हूँ, एकदम बहुत प्यार से लोग आएंगे रहेंगे, कोई ज़्यादा हॉच पॉच नहीं होगा यहाँ पर, दुकान पर दुकान चढ़ी हुई चीज़ें नहीं होंगी। और जो भी ब्रांड्स आएगा जिनको, जैसे सपोज मान लो जैसे छोटे जो एसईओ प्लॉट्स वैसे, फिर बाद में ब्रांड्स आने में भी दिक्कत होती है, अब क्या बनाओगे छोटी सी दुकान में, यहाँ वो चीज़ नहीं होगी। इन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि इनको जो प्रॉपर एक ब्रांड आता है, जिनको उनको जितना स्पेस चाहिए होता है उस हिसाब से प्रॉपर लीजिंग दे। बिल्डर आपको छोटे प्लॉट्स भी काट सकता है, बट इन्होंने नहीं काटा। दिस इज बिकॉज ये चाहते हैं कि चलो आज बेचने में टफ हो, टफ तो देखो MR के ब्रांड से बिक जाता है, बट दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, रेट वाइज ये गुड़गांव का सबसे रीजनेबल रेट ऑफ एसईओ प्लॉट है। अगर आप इसके रेट्स की बात करोगे, देखो यहाँ पर जो एसईओ प्लॉट्स है आपके लगभग 140 स्क्वायर यार्ड के हैं, आप गुड़गांव में आपको 60 स्क्वायर यार्ड के भी मिल जाएंगे, तो एंट्री टिकट साइज थोड़ा ज़्यादा वो हो जाता है, बट रेट्स बहुत रीजनेबल है यहाँ, 260-270 के आसपास का रेट आ जाता है, क्योंकि प्लॉट्स में आपको ये भी देखना पड़ेगा कॉर्नर थोड़ी PLC ऐड हो जाती है, तो इस तरह से वो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बट ये एक रेस्पेक्टेबल साइज है प्लॉट, जिसमें आप 6 फ्लोर्स आप बना लो, तो हर फ्लोर का मतलब यू कैन, जैसे सपोज मान लो इसका फ्लोर प्लान है और वेबसाइट पे डिटेल देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना आप इसमें बना सकते हो, किस तरह से हम आपको सारा कुछ कैलकुलेशन में समझा देंगे, पर हम जस्ट एक आपको चीज़ों को ये समझा रहे कि ये छोटा सा पॉकेट है, कितने अच्छे से लोग आ जाएंगे और कितना मजा आएगा आपको, आप खुद देख लो, आपको सराउंडिंग में देख के लग जाएगा कि मतलब मजा इसको चलना ही चलना आपका। ये आलतू फालतू जगह आप इन्वेस्ट करते हो अपने कैश एडजस्ट करने के चक्कर में, जो मॉल्स चलने नहीं है, इसे फार बेटर आप इनमें इन्वेस्ट करो। आपकी अपनी लैंड है, आपकी अपनी लैंड है, जो लोग कहते हैं ना जड़ से आपका, वो चीज़ है आपकी, ठीक है। मैं कहता हूँ आपने लिया, हो सकता है 1.5-1.5 साल में भी नहीं चले, आप लॉन्ग अगर टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो इट विल बी 2x-3x। एक इन्वेस्टमेंट आज आपको एक साल में 30% अप्रिशिएट दे दे और अगले लाइक 10 साल तक वो कोई अप्रिशिएट नहीं करे, इससे फार बेटर कि आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट लो जो 10 साल में 3x हो जाए आपका, तो ये वही इन्वेस्टमेंट आपका। एसईओ प्लॉट में आपको कभी नुकसान नहीं होगा, और क्योंकि आपको बता दूं रेजिडेंशियल में ये फिलॉसफी जरूर होता है कि कोई बंदा न्यू गुड़गांव में है तो वहाँ फ्लैट सस्ते होने चाहिए, एक्सटेंशन रोड पे तो वो महंगा होना चाहिए। कमर्शियल में बेचते वक्त बिल्डर ये काम करते हैं, बट बनने के बाद ये चीज़ नहीं है। आज भी है रेडी टू मूव इन जो भी कमर्शियल है, आपको बता दूँ न्यू गुड़गांव के अंदर बता रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर पर 40-45 हज़ार रुपये का रेट है, और जिन्होंने भी SPR रोड पे या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे रिटेल में इन्वेस्ट किया और जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया न्यू गुड़गांव में, आप पूछ लेना, मैं 10 हज़ार रुपये में यहाँ रिटेल बेचता था लोगों को, आज 40 हज़ार रुपये का रेट है। SPR में किसी ने 40 हज़ार रुपये में खरीदा है, आज भी 40 हज़ार का रेट नहीं है जब आप बेचने जाओगे। तो मैं जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको, डिफरेंस बता रहा हूँ चीज़ों को लेकर। कमर्शियल दो तरीके से चलेंगे, आइदर मेक समथिंग विच बिकम्स अ वेरी कैचमेंट एरिया, एक पूरा अपने आप एक एंटरटेनमेंट हब बन जाए, जो सपोज जैसे एम्बियंस मॉल है, एग्जाम्पल मान लो मेरे फ्रेंड्स आते हैं एम्बियंस मॉल ले जाते हैं, पर क्या हम और मॉल में जाते हैं? हम नहीं जाते हैं। शॉपिंग करना तो एम्बियंस में चले जाते हैं, बच्चों को राइड कराना, तो एक जस्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये सेम चीज़ एवरीबडी इज डूइंग। तो एम्बियंस वो पर्पस सॉल्व कर रहा है, क्योंकि लेजर एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, दे हैव सो मच ब्रांड्स की कोई एक बहाना होता है हमारे पास जाने के लिए, फिर वी मे लाइक कॉन्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट थिंग्स। पर क्या हम सारे मॉल में जा रहे हैं? इसलिए एम्बियंस चलता है, बाकी नहीं चलती है। एक तो ये पर्पस है, एक प्योरली शॉपर एक्सपीरियंस होता है। अब जैसे सपोज मान लो एक मार्केट आपको बताऊंगा, वहाँ पर आप दुकान के रेट सुन लोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे, यूनिटेक आर्केडिया है, यूनिटेक का नाम सुन दोगे तो आपका सिंह खड़ा हो जाता होगा कि यार इसकी कोई बिल्डिंग है, ऐसी है कैसी है। मैं कह रहा हूँ इतनी जर्जर स्थिति में वो बिल्डिंग आप सोच नहीं सकते, पर आप वहाँ की दुकानों के रेट समझ लोगे ना तो आपके जमीन निकल जाएगा पाँव से। क्यों? लोग वहाँ क्या आते हैं,
आटा खरीदना है, चावल खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, स्टेशनरी खरीदना है, आपका मतलब प्रिंटिंग करवानी है, जीरोक्स कराना है, डॉक्टर्स बैठे हैं, आपके बुटीक वाले बैठे हैं, मतलब अभी और सिलाई वाले बैठे हैं, जो एक रोल बनाने वाले बैठे हैं छोटे छोटे, मतलब ये जो छोटे छोटे 300-300 फुट में दुकानें खोल कर, तो ये चीज़ एग्जैक्टली तो वो चल गया। आप जैसे हुडा मार्केट आप जाते हो कहीं पर भी चलता है ना, सेम आपका एसईओ का भी यही कॉन्सेप्ट होना कि ये अपना चल जाएगा। और दूसरी चीज़ है, यहाँ आप अपना खुद बना रहे हो, बनाने का कॉस्ट बहुत कम आ रहा है आपका, आपका सारे स्ट्रक्चर आपको प्री डिफाइंड है, आपकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम लगेगी। सबसे ज़्यादा हाई स्ट्रीट मार्केट या मॉल में लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको बाद में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, यहाँ पर तो आपका मेंटेनेंस बहुत कम आना है क्योंकि आपकी थोड़ी बहुत जो मेन एरिया जो आपके, देखो नेचुरल से बात है, ये नहीं कि जीरो मेंटेनेंस होगा क्योंकि जो कॉमन एरिया मेंटेन होगा उसका तो लगेगा, पर वो बहुत ही कम होगा। मतलब लाइक अगर वहाँ मॉल में अगर 30 रुपये लगता है तो यहाँ 2 रुपये होगा, पर अंदर का तो ठीक है, नेचुरल से बात है, कल को आपकी 3 फ्लोर नहीं चढ़ी है तो आपको एसी का बिल नहीं देना, कोई चीज़ का नहीं देना, खाली पड़ा है, जस्ट एक पॉइंट बता, चढ़ावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, या फिर चढ़ावा भी तो भी बहुत कम देना आपको। हाई स्ट्रीट में तो आपको सबका ठेका लिया हुआ है आपने, मॉल नहीं भी चल, आपकी दुकान नहीं भी चल रही, बंद है तो भी आपको मेंटेनेंस देना है, वो चीज़ है एग्जैक्ट। तो ये सारी चीज़ों से आप बचोगे और यही रीज़न रहेगा कि ये फिर डेड मार्केट नहीं बनेगा, चलेगा, इजी होगा, कन्वीनियंस होगा लोगों को आने के लिए। आप देखो ना, आप खुद बताओ कि आप वहाँ पार्किंग करोगे पहुँच जाओगे 2 मिनट में, ये चीज़ ऐड ऑन करेंगे, आसपास पूरी पॉपुलेशन रहेगी, लोग अपने बेसिक नेसेसिटी के लिए भी आ जाएंगे, ऑफिस स्पेसेस खुलेंगे, कई सारे ऑफिस स्पेस वाले भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे आपकी रिटेल परचेजिंग के लिए, ऐसा होता ही है सारी चीज़ें। सो गाइज, दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।